हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी व्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सही फाउंडेशन चूज करने का तरीका और फाउंडेशन चूज करने टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों से वही शेयर करूंगी। मैं इस वीडियो को चार कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। सबसे पहला कैटेगरी होगा स्किन टोन, कि आप लोगों का स्किन किस टोन में है, किस टाइप का आपका स्किन है। सेकंड होगा अंडरटोन, कि आप लोग का स्किन किस टाइप का है, वार्म टोन है, कूल टोन है या फिर न्यूट्रल टोन है, तो वो अंडरटोन के अंदर आएगा। थर्ड होगा फाउंडेशन टाइप्स एंड फोर्थ होगा फाउंडेशन चूज, मतलब कि फाउंडेशन किस टाइप का होता है, और फोर्थ में मैं आप लोगों को चूज करने का तरीका बताऊँगी। सो फर्स्ट कैटेगरी है स्किन टोन। तो सबसे पहले हम लोग स्किन टोन के बारे में जानेंगे कि स्किन टोन कितने टाइप्स के होते हैं। स्किन टोन के टाइप्स होते हैं, सबसे पहला होता है ड्राई स्किन, इधर मैं मेंशन करते जाऊंगी ड्राई स्किन, सेकंड ऑयली स्किन, थर्ड होता है नॉर्मल स्किन एंड फोर्थ होता है कॉम्बिनेशन स्किन एंड फिफ्थ होता है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली स्किन के अंदर में आते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन स्किन में ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों मिक्स होता है, और सेंसिटिव स्किन में तो ऑयली स्किन होता ही है। नॉर्मल स्किन में जो नॉर्मल रहते हैं, कि सम टाइम ड्राई हो जाता है, सम टाइम मतलब मौसम के अकॉर्डिंग सम टाइम ड्राई सम टाइम ऑयली, उसको नॉर्मल स्किन बोलेंगे। और ड्राई स्किन और ऑयली स्किन का हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑयली स्किन का। ऑयली स्किन का सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसको पहचान करने का तरीका, कि जब आप लोग सुबह सोकर उठेंगे तो कोई भी टिश्यू पेपर लेके आप उसको अपने फेस पे रब करेंगे। अगर वो मतलब कि ऑयली होगा, अगर ऑयली आपका स्किन होगा तो वो टिश्यू वेट होगा। एंड अगर आप ड्राई स्किन का भी पहचान आप ऐसे ही कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद आप रब करेंगे वो ड्राई ही रहेगा, टिश्यू मतलब ड्राई ही रहेगा, तो वो आपका स्किन ड्राई है। यही है कि अगर आपके स्किन टोन के बारे में आपको पता चलेगा, तभी आप अपने स्किन टोन के हिसाब से एक बहुत अच्छा फाउंडेशन आप ले सकते हैं। हम लोग बात कर लेंगे अंडर टोन टाइप। थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है वार्म टोन, सेकेंड होता है कूल टोन एंड थर्ड होता है न्यूट्रल टोन। गाइज, ये चार्ट है और इस पर मैं आपको समझाती हूँ। वार्म अंडर टोन के अंदर में आता है ग्रीन का शेड आता है, एंड सेकेंड होता है कूल अंडरटोन जिसके अंदर में आता है ब्लूइश का शेड, एंड थर्ड होता है न्यूट्रल टोन में ग्रेइश का शेड आता है। गाइस, इसका पहचान कैसे होता है? तो ये जो रिस्ट होता है अपने, मतलब जो नस होता है ना यहाँ पे, उसका जो कलर होता है, जैसे कि ग्रीन होने पे अगर आपका स्किन, ये नस आपका ग्रीन है तो आपका होगा वार्म टोन, ठीक है। और अगर ये ब्लू है आपका, ये वाला जो नस होता है ना, ये नस आपका अगर ब्लू है तो आपका है कूल टोन, एंड अगर मतलब मिक्स है ये तो ये होगा न्यूट्रल टोन। नस का कलर है, ये मेरा ग्रीन है तो मैं वार्म टोन के अंदर आती हूँ। अब हम लोग बात कर लेंगे टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं फाउंडेशन के, तो उसमें कुछ टाइप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इधर मैं मेंशन करते जाऊंगी। होता है लिक्विड फाउंडेशन, फिर होता है क्रीम फाउंडेशन, उसके बाद होता है पाउडर बेस्ड फाउंडेशन, एंड उसके बाद होता है मूस फाउंडेशन। ये लिक्विड फाउंडेशन है, ये ड्राई स्किन में यूज कर सकते हैं, और ये रहा क्रीम फाउंडेशन, मैं सबका इमेजेस डाल दे रही हूँ, ये पाउडर बेस्ड फाउंडेशन और ये मूस फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन और क्रीम फाउंडेशन ही सबसे ज़्यादा, मतलब ऑल स्किन टाइप, जो स्किन टाइप्स होते हैं अलग अलग, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्रीम फाउंडेशन और लिक्विड फाउंडेशन। ये दो फाउंडेशन ही हैं जो मतलब कि ऑल स्किन टोन में यूज़ होते हैं, मीन्स सबका अलग अलग होता है, लेकिन ये दो टाइप्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। लिक्विड फाउंडेशन को आप एज अ मतलब ड्राई स्किन में भी यूज़ कर सकते हो, और ड्राई स्किन के लिए वैसे लिक्विड फाउंडेशन बेस्ट होता है। मेरा स्किन ड्राई है तो मैं अपने फेस के लिए लिक्विड फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ। क्रीम फाउंडेशन को नॉर्मल टू ड्राई स्किन टोन वाले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रीम बेस में इसका फाउंडेशन होता है, तो क्रीम के कारण और ज़्यादा मतलब उनको, ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, तो उसके कारण से वो और ज़्यादा केकी टाइप का दिखेगा। तो इस वजह से नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले ही क्रीम फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। जो पाउडर बेस्ड फाउंडेशन होता है ना, उसको हम एज अ कॉम्पैक्ट
को भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट भी एज अ मतलब पाउडर बेस फाउंडेशन ही होता है। उसके बस ये रहता है उसमें कि उसके पहले हम लोग को लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ता है, तो हम लोग पाउडर से जैसे सेट करते हैं ना तो वो एक अलग मतलब फ्लॉलेस लुक देता है, तो वो पाउडर बेस्ड फाउंडेशन में आता है। किसान पाउडर बेस्ड फाउंडेशन को इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि पाउडर बेस्ड फाउंडेशन तो ज़्यादा कवरेज वाला नहीं होता है, तो इसलिए लिक्विड फाउंडेशन पहले यूज़ करते हैं, देन उसके बाद पाउडर बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज है मूज फाउंडेशन। तो मूज फाउंडेशन रेयरली यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत शेयर कवरेज देता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कम ही इसे यूज़ करते हैं। डेली यूज़ में अगर आप लोग से ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो वो डेफिनेटली मूज फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी तरीका है, आप लोगों को मैं एक और तरीका बताती हूँ गाइस। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मतलब हमारा जो फोर्थ कैटेगरी है हम उसको ट्राई करेंगे कि सही फाउंडेशन चूज़ करने का तरीका क्या होता है। सो यहाँ पर मैंने कुछ फाउंडेशन यूज़ किए हैं जिसमें से कोई डार्क शेड है, कोई मेरे स्किन टोन का है ही नहीं, कोई मेरे स्किन टोन से लाइटर है। सो आप लोग खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कि आप इसमें से कौन सा शेड मेरे स्किन टोन पे मैच हो रहा है। लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ किया है, ये मेरे शेड से बहुत ज़्यादा डार्कर शेड है। सो ये कॉन्टोर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, कॉन्टोर के लिए यूज़ कर सकते। आज मैंने ब्लू हेवन का फाउंडेशन यूज़ किया है, उसके बाद मैं यूज़ की हूँ ये मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज़ की हूँ। उसके बाद ये मेरा स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है जो कि बहुत ज़्यादा लाइटर दिख रहा है। तो मेरा परफेक्ट शेड है ये ब्लू हेवन का जो है फाउंडेशन, वो ब्लेंड करूँगी अपने फिंगर से ही। डिफरेंस ये मेरे शेड से मैच हो रहा है, और वैसे ये भी मेरे शेड से मैच ही हो रहा है, मतलब ज़्यादा लाइटर नहीं है। तो हमेशा आप शॉप में फाउंडेशन लेने जाएं या फिर ऑनलाइन परचेस करें सो एक शेड लाइटर और एक शेड अपने स्किन टोन का, तो दो फाउंडेशन हमेशा आप लोग लें, तो वो दोनों फाउंडेशन को आप मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस फिनिश आएगा उससे। ये ब्लू हेवन का शेड है जो मैंने अप्लाई किया, देन उसके बाद ये मेरा फिट मी का फाउंडेशन है। सो फिट मी वाला ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है, तो ये मैंने न्यू परचेस किया है। सो आप लोग देख सकते हैं, बाकी ये शेड तो मेरे स्किन टोन का है। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, अगर आप जब भी शॉप में जाएं तो फेस पे कुछ भी अप्लाई मत करके जाएं, मतलब मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ भी अप्लाई ना करें। अगर आप पहले से ही मेकअप करके जाएंगे तो फिर वो फाउंडेशन का शेड ही आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं तो। बिगनर्स के लिए मैं खासकर बोल रही हूँ, अभी भी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है मैंने, सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था, उसके बाद मैं ये शेड आप लोगों को ट्राई करके बता रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन के शेड्स के चार्ट ऐड करे हैं, सो आप लोग इस अपने अकॉर्डिंग आप लोग स्किन टोन के हिसाब से आप लोग फाउंडेशन परचेस कर सकते हैं। जैसे मैंने मेबेलिन का ऐड किया, ये मैक का है, सो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से बेस्ट फाउंडेशन ले सकते हैं। सो अब हम लोग बात करेंगे कि ऑयली स्किन पे कौन सा फाउंडेशन यूज़ होता है। तो ऑयली स्किन में ज़्यादातर स्टिक फाउंडेशन यूज़ होता है, और ड्राई स्किन में लिक्विड फाउंडेशन होता है, और नॉर्मल स्किन का तो कुछ भी यूज़ कर लो उन लोगों का चांदी रहता है, मतलब लिक्विड भी, मूज भी और क्रीम भी, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, उनका चांदी ही चांदी होता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ फाउंडेशन के नेम्स जो कि ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयली स्किन का हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे, तो ऑयली स्किन में आ जाएगा फिट मी का फाउंडेशन, लैक्मे, डा ब्यूटी, स्विस ब्यूटी और मेबेलिन पर्पल का फाउंडेशन, सो और फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का, ये सब लिक्विड बेस पे होगा जो हम लोग ड्राई स्किन पे यूज़ करेंगे। शुगर का फाउंडेशन बहुत सारा ऐसा है, नॉर्मल स्किन में हम लोग कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा मतलब केकी नहीं शो होता। नॉर्मल स्किन में हम लोग ऑल टाइप का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। और फिर ये ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन है, फिट मी का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा होता है ड्राई स्किन वालों के लिए, सो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो आप शेड वो फाउंडेशन आप ले सकते हैं। सो गाइस ये था सही फाउंडेशन चूज़ करने का तरीका, मैं जितना जानती थी उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करी।
सो गाइज दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। सो गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएगी, आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर सकेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो गाइज अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।